देखिए हम लोग आज एक प्रोजेक्ट चालू करेंगे हम लोग, और सिंपल बता देते क्योंकि यहाँ पे आप छुट्टियाँ नहीं मारोगे। उसके बाद एक आधे बार कुछ आपको काम रहा तो डेफिनेटली कभी कभी मंथ एंड रहता है तो उस वक्त थोड़ा तकलीफ जाता है आपको ऑफिस में, या कुछ वर्क रहा, या किसी की शादी रही, खुद की, भाई की और बहन की नहीं बोल रहा, तो उस वक्त आप छुट्टी ले सकते हो। लेकिन भाई की शादी है, सिस्टर की शादी है, तो शादी के दिन लीजिए, लेकिन 1 घंटा दे दीजिए। और मोबाइल के ऊपर आप लोग दीजिएगा, मोबाइल के ऊपर कोई देखेगा नहीं। मोबाइल के ऊपर देखना है तो मेरे स्टूडेंट्स वही जॉब लग नहीं लगते जो मोबाइल के ऊपर देखते हैं। मोबाइल के ऊपर देखिए मत आप लोग, आप जो भी है लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्क्रीन के साथ वर्क करना है तो डेफिनेटली। चलिए जल्दी ज्वाइन होते जाओ बेटा, जल्दी से। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस नाम से था अपना, हर्षा जोड़े ना, हर्षा जोड़े। पासवर्ड, और आज आप लोगों का सभी को छुट्टी है, तो आप सभी को एक याद रखिएगा कि आपको आज तक का वर्क आपको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको तकलीफ जाएंगी। नहीं था, क्यों एरर दे रहा है ये, पासवर्ड मेरा गलत है, हमने आपको बता दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अटैच कर रहे हैं मेरे लैपटॉप को सेलफोर्स के सर्वर के साथ। क्योंकि सेलफोर्स क्या बोलता है, कोई सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, जब भी आपको ज़रूरत रहती है यू यू ओपन द क्राउड एंड लॉग इन विथ माई सेलफोर्स सर्वर, और वो आपका आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कहाँ पे, आपके लैपटॉप के ऊपर ला के दे देता है। इज इट क्लियर? बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि इधर मेरा लेक्चर चालू रहता है, इधर वो वर्क करना चालू करते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ मेन वर्किंग। तो ये रहेगा आपका, यहाँ पे हम लोग लॉन्च पे जाते हैं हम लोग, एंड क्लिक ऑन द लॉन्च एंड राइट डाउन स्टूडेंट। बहुत कम टैब्स दिए हुए उन्होंने, सेटअप, होम, अभी देखते हैं हम लोग, दिस इज योर एप्लीकेशन। ओके, अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज मीन बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज डेटा फील्ड। तो पहले जनरलाइज पढ़ेंगे, उसके बाद टेक्निकल पढ़ेंगे हम लोग। ओके, जनरलाइज इसलिए पढ़ाया जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोरीज। ओके, हम लोग जब इंटरव्यूज देते हैं ना, तो इंटरव्यू देते वक्त आपको याद आना चाहिए। बाद में हम लोग जब याद आता है तो यू यू कम्युनिकेटेड योर नॉलेज टू दैट कंपनी एचआर। ओके, बट वो याद आने का जो प्रोसेस होता है ना, आता है, मेरी खासियत है कि मेरे लड़कों को क्वेश्चन पूछने के बाद याद आता है। इसलिए याद आता है क्योंकि मैं उनको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद टेक्निकल वर्ड भी जाते हैं। चलिए, व्हाट इज मीन बाय द ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बताता हूँ, और आज आप देखेंगे कि हम लोगों में और डेवलपर में क्या फ़र्क होता है, और यहाँ से 10 मिनट के बाद आप भी खुद डेवलपर बन जाते हो, सोच जो रहती है ना उसको प्रॉपर वैसे कीजिए। तो व्हाट इज मीन बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग पहले नॉर्मल वे से लेके जाएंगे, क्योंकि आप फिलहाल नॉर्मल हो अभी, सेल्फोर्स या आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, यू आर नॉट अ डेवलपर। डेवलपर बोलते हैं ना, रंग रंग में रहना चाहिए, ब्लड में भी डेवलपमेंट घूमना चाहिए। और वो कैसे घूमता है मैं आपको बताता हूँ। 25 साल, 26 साल, 27 साल के लड़के जो होते हैं ना, उसका जो पैकेज रहता है 24 लाख, 27 लाख, क्यों रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ को डेवलपमेंट की तरह कैसे सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, तो हम लोग देखेंगे इसको। ओके, यही सोच होता है। ओके, खाना खाते वक्त भी वो रोटी आपको डेवलपर ऑब्जेक्ट दिखनी चाहिए, जो अपन खाना खाते हैं ना, वो ज्यादा मराठी में ताट मानते हो अपन। ओके, थाली बोलते हैं, वो थाली भी आपको सेलफोन दिखनी चाहिए। कैसे दिखती है मैं बताता हूँ आपको। व्हाट इज मीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड। व्हाट इज मीन बाय द डेटा फील्ड, यू रिमेंबर वन थिंग। ओके, ये अकाउंट है, इसको क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन न्यू, तो दैट टाइम ये देखिए, ये दिख रहा है ना, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट साइट टाइप, वेबसाइट, फैक्स, फ़ोन नंबर, रेटिंग, दीज आर कॉल्ड एज अ, इसको बोलते हैं डेटा फील्ड, जहाँ पे हम लोग डेटा डालते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन बताऊँगा, व्हाट इज मीन बाय द, और ये सब आपको दिया जाएगा। ओके, शुक्रवार के दिन। तो व्हाट इज मीन बाय द
अकाउंट या ऑब्जेक्ट. व्हाट इज मीन बाय द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड ऑफ पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर ऑपरेशन. एक पर्टिकुलर काम के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग एक जगह पे रखते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड ऑफ रिलेटेड और पर्टिकुलर ऑपरेशन और टास्क. कोई भी टास्क का पूरा इंफॉर्मेशन अपन एक जगह पर रखते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट का मैं एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ. स्कूल बैग, हम बचपन से ये करते थे. द स्कूल बैग इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट. क्यों ऑब्जेक्ट है ये? एजुकेशन रिलेटेड का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन अपन उस बैग के अंदर डाल देते हैं. आपकी मैथ्स की कॉपी, आपका फिजिक्स का बुक, आपका रजिस्टर्ड, आपका कॉम्पास, उसमें पेंसिल, रबर, पेन, इरेजर, ओके, आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी, एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं चीज़ें चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब अपन उस जगह पे रखते हैं. तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट. यस और नो? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट. द स्कूल बैग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट, जनरलाइज एग्जाम्पल है कि नहीं बताइए. नहीं क्या मैम? एग्जाम्पल है कि नहीं? ऑब्जेक्ट सिंपल लिखे डेफिनेशन देखिए ना. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. एजुकेशन रिलेटेशन डेटा अपन सब एक जगह पे रखते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसको हम लोग एक जमाने में स्कूल बैग बोलते थे, अभी हम लोग इसको स्कूल ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो स्कूल बैग इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ योर एजुकेशन प्रोसेस. ओके, ये कलेक्ट दैट बैग कलेक्ट मैथ बुक, मैथ्स नोटबुक, फिजिक्स बुक, बायोलॉजी बुक, केमिस्ट्री बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर, कंपास, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देयर एजुकेशन आप सब एक जगह पर रखते हैं, उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं स्कूल ऑब्जेक्ट. ओके, अभी बेसिकली यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग और एक नॉर्मल पर्सन कैसे सोचते हैं. तो जैसे हम लोग, हमारे डैडी है बेचारे, अभी अभी वो तो सेल्फ फोर्स नहीं बनेंगे, तो दिस इज अ नॉर्मल पर्सन. ओके, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन, डैडी इज योर नॉर्मल पर्सन, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ जी ली है और आपके लिए वर्क कर रहे हैं. एंड दिस इज यू. नाउ यू आर बिकम अ, सॉरी माई ड्राॅइंग इज नॉट टू गुड. अरे यार ये कैसे हो गया? चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग. वेट अ मिनट, तो यहाँ पे ये आप हो. ओके, दोनों भी अब जनरलाइज हो. अभी आपकी मम्मी मतलब समझ लीजिए सेल्फ फोर्स है, क्योंकि उनका ही चलता है सब घर में. ओके, इसके लिए अब आपके मम्मी क्या करेंगे, पापा को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज अ बैग. ध्यान दो रे, दिस इज कॉल्ड एज अ बैग. ये बैग है, ये बैग लेके जाइएगा मार्केट में. मार्केट मतलब डेटाबेस है. देखो सोचो, ये सोचिए, उसके अंदर नंबर ऑफ डेटा है, मतलब सब्जियाँ अलग अलग. ओके, आपके पापा को बोलती है मम्मी सेल्फोर्स, बोलते हैं कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, मतलब मुझे क्या करना है, सब्जियाँ बनानी है. ओके, खाना बनाना है. तो आप मार्केट में जाइएगा, मार्केट मतलब डेटाबेस है. ओके, इसमें से आप कुछ डेटा लेके आइए. तो पापा क्या करेंगे, वो वेजिटेबल बैग लेंगे, मार्केट में जाएंगे, बाद में पालक, मेथी, ओनियन, टमाटोज और जितना रिलेटेड जो लगता है खाने का आपके घर में, वो लेके आएंगे और वो लेके आ जाएंगे. इज इट क्लियर? और वो डेटा आपके मम्मी को दे देंगे. ओके, और वो बोलेंगे कि ले लीजिए, दिस इज़ कॉल्ड एज अ वेजिटेबल बैग करके. ओके, ये संडे का पापा का काम हो गया, क्योंकि दिस इज़ अ जनरलाइज पर्सन, दैट इज़ अ जनरल पर्सन बोलते हैं हम लोग इसको. ओके, बट हम लोग अभी सेल्फ फोर्स पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट संडे आपकी मम्मी बोलेंगी बेटा आज आप चले जाओ, इज इट क्लियर, और आप खाना लेके आइए, मतलब सब्जी लेके आइए. तो मम्मी आपको बैग देंगी. अब देखो आपकी सोच कैसे रहती है, देखिए. ओके, हम लोग बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं सेल्फ फोर्स में भी डाल सकता, मार्केट के ऊपर अपन प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम. इज इट क्लियर? ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो बना सकते हैं ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जैसे अभी आपका शाहरुख खान बिग बास्केट बनाया ना. बिग बास्केट क्या है? आपके पापा जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहा है शाहरुख खान आपका, बट वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है. एक ऐप डाउनलोड करते हैं, बाद में आप फिलअप करते हो और वो बंदा आपके घर में आके छोड़ देता है. यस और नो?
सेम वर्किंग, उसने वो जो थिंकिंग है, वो जो बंदे ने थिंकिंग की ना, वो अभी कैसे करते हैं? तो देखिए, तो ये आप हो, तो ये आपकी बैग है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ, तो अभी ये आपकी वेजिटेबल बैग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेबल ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये बैग भी क्या कर रही है, वेजिटेबल को कलेक्ट कर रही है ना, तो जो भी चीज़ कलेक्ट करती है उसको ऑब्जेक्ट ही बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ वेजिटेबल बैग। हम लोग जाएंगे यहाँ पे जाएंगे हम लोग मार्केट के अंदर जाएंगे और अपन पालक खरीदेंगे, तो पालक क्या होगी, एक वो ऑब्जेक्ट की फील्ड होगी, डेटा हो गया, मेथी उस ऑब्जेक्ट की फील्ड होगी, ओनियन उस ऑब्जेक्ट की फील्ड होगी, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स लेंगे, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, ओके, और वो दे देंगे, उस बैग के अंदर डालेंगे, और ये बैग अपन अपने मम्मी को वापस बोलेंगे, टेक दिस वेजिटेबल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा आपको क्यों बोला मैंने? तो दैट बैग, ये जो बैग है, ये बैग भी क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है ना डेटा। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है बताइए? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड्स, ओके। तो ये वेजिटेबल बैग ने भी क्या किया है, ये जो मार्केट है, ये जो मार्केट है, दे हैव द नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा आर अवेलेबल, ओके। तो उसमें से हम लोगों को, हमारे घर के एप्लीकेशन को जो जो डेटा लगता है, वो डेटा अपन ने इस बैग में कलेक्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेबल बैग। समझ में आ गया क्या आपको, बताइए मुझे, ओके। तो हम लोग जो सोचते हैं ना, बस इसी तरीके से सोचिएगा, हम लोग भी डेवलपर बन सकते हैं। अभी तो आप सब्जी लेने से, सब्जी बनाने से तो आदमी डेवलपर नहीं होता है, तो लेकिन अभी हम लोगों को स्टूडेंट डिटेल बारे में पूछना है, बताना है, ओके। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? नॉर्मल पर्सन और हमें फर्क वही होता है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हम किसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन जमा करना है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का मिडल नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का जेंडर, वो हम लोगों को सब कलेक्ट करना है एक जगह पे। इज इट क्लियर? तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया क्या आपको? लिसन ये, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया आपको? अब ये इसी समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट। यस और नो, जस्ट टेल मी, यस यस सर, ओके, यस सर, यस सर, बिकॉज लिसन ये, यू रिमेम्बर दैट, यस यस सर बोल के म्यूट करते जाइएगा। क्या होता है कि वी आर कनेक्टेड इन वर्चुअल फॉर्मेट, आप मुझे नहीं देखते, मैंने आपको नहीं देखा, आज तक कौन कैसे दिखता है आई डोंट नो, बट हम लोगों को बात करते वक्त मैं थोड़ी देर के बाद एक रिस्पॉन्स पूछता हूँ, मतलब इसमें समझ में आ जाता कि हाउ मेनी पर्सन, क्योंकि देखिए शुक्रवार तक कौन लोग रहेंगे डजेंट मैटर, बट मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, तो इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि देखिए ये जो एग्जाम्पल देता हूँ ना, ये एग्जाम्पल आपको कोई बोलना नहीं है कहीं पर भी, लेकिन जब वो इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछता है तो कभी भी याद रखा, ह्यूमन बींग की एक टेंडेंसी रहती है, उनको पिक्चराइजेशन फॉर्म जल्दी समझ में आता है, ओके। दूसरा चीज़, जनरलाइज जल्दी आता है, क्योंकि उनको रोज़ रोज़ वही वर्क करते हैं, और उसके थ्रू मैं जब टेक्निकल में जाता हूँ तो याद रखने का झंझट ही नहीं रहता है, उनका ब्रेन उसको कैप्चर कर लेता है, और जब अपने को डेफिनेशन देना है तो एक बार कोई भी चीज़ याद आती है, तो कभी आप लोग देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, एक आधा गाना ऐसे कहीं तो भी दूर सुनाई देता है आपको, तो आपका दिमाग नहीं क्या क्रशिंग करते रहता है कि यार ये गाना कौन हीरो वगैरह गा रहा था, कौन सी हीरोइन गा रही थी, और देखिए आपको वो एक मिनट आधा मिनट नहीं क्या, आप सिर्फ उसी में सोचते रहते यार ये गाना कहाँ से है, कौन सी पिक्चर का, और तुरंत एक पर्टिकुलर से कुछ 10-20 सेकंड का, एक पर्टिकुलर सेकंड के बाद आपको क्लिक होता है, अरे ये गाना ये इस बंदे का, और उसके बाद आपको देखिए ऑटोमेटिकली आपको पूरे गाने के सीन्स याद आते हैं, होता है ना ये, तो वो जो क्लिक होता है, क्योंकि जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं तो वो 10 सेकंड होते हैं जिसमें आपको रिप्लाई देना पड़ता है, तो वो उसका रूल क्या रहता है, जब कोई भी इंटरव्यूअर आपको 10 सेकंड का क्वेश्चन पूछता होगा तो उसका आंसर अपन 20 सेकंड या 30 सेकंड में देते हैं, कोई क्वेश्चन वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए पूछता होगा तो उसका आंसर अपन 10 सेकंड के लिए देते हैं, ये रेशियो रहना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिया तो ये बोलते जा रहे हैं, हम लोग हमको रामायण और महाभारत नहीं बताना है उनको, उनको अपना टेक्निकल देना है, तो वो उसके क्वेश्चन के लेंथ के ऊपर और डिप के ऊपर आप लोगों को उसके आपके आंसर्स होने चाहिए, ओके। तो ये चीज़ें आपको देखिए, आप जब क्वेश्चन पूछेगा उस वक्त जो आंसर देगा ना, तो
वो आंसर जल्दी याद आना चाहिए। तो याद आने के तरीका ये होता है, तो मैं हर टॉपिक में शुरुआत ऐसे ही करूँगा और उसके बाद टेक्निकल में लेके जाऊँगा। तो ये आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके। मुझे स्टाफ के रिलेटेड बनाना है तो मैं स्टाफ का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो अभी यही से देखो आप लोग समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो स्टाफ के रिलेटेड उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसका जॉइनिंग, उसका पोजिशन, उसके बाद उसका सब्जेक्ट, ओके। तो ये डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सब उसकी इंफॉर्मेशन इसकी जगह पे रहेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया क्या आपको, बताइए मुझे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, इस तरह से लिखूँगा, स्टूडेंट मार्क शीट। इसका मतलब बता बरा मुझे क्या होगा, तो आप ही बताइए मुझे। यस, हेलो, आवाज़ आ रहा है मेरा? स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट मतलब क्या होता है? टेन में लड़का होगा तो मराठी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके मार्क्स अवेलेबल रहेंगे ना वहाँ पे। यस सर, तो ये रहता है यहाँ पे। यस सर, क्लियर। मतलब ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, उस पर्टिकुलर स्टाफ का पूरा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे दिखता है मैं आपको बता देता हूँ, हमको यही बनाना। दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ओके, जो सेलफोर्स से बनाए हुए। देखिए ये देखिए, अकाउंट रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन वो एक जगह पे रखता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा फील्ड। अब डेटा फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ एट्रीब्यूट और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और अ वेरिएबल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, अकाउंट मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, मुझे उस अकाउंट का नेम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक फील्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेटा फील्ड। तो डेटा फील्ड की डेफिनेशन क्या होता है? डेटा फील्ड इज अ, ध्यान दीजिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है डेटा फील्ड, व्हाट इज मीन बाय द डेटा फील्ड, डेटा फील्ड इज अ एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? डेटा फील्ड आपकी एक एट्रीब्यूट होता है, वेरिएबल होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, इसको बोलते हैं डेटा फील्ड, ओके। अब ये जो अकाउंट और कॉन्टैक्ट है, दीज आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग रफ कर देते थे, यहाँ पे अपन लिखते हैं ऑब्जेक्ट। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पूछे जाते हैं आपको, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सब बताएंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। शुक्रवार के दिन मैं आपको सब क्वेश्चन दूंगा, आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन करोगे। ये टेक्निकल है, मैं बता रहा हूँ, ये जॉब ओरिएंटेड कोडिंग है, इसमें आपको जावा, सी प्लस प्लस का सामान पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है, पहले दिन से ही आपको कंपनी लेवल का पढ़ाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो दोज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द सेल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट पहले से सेल फोर्स बना के रखता है, उसका यूज हम करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? दोज ऑब्जेक्ट आर ऑलरेडी क्रिएटेड इन द सेल फोर्स, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट? द थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड इन द सेल फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वो रहता है अकाउंट, कॉन्टैक्ट, पढ़ेंगे हम लोग, ओके, ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ, दैट इज कॉल्ड एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मीन बाय द कस्टम ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द डेवलपर एंड यूज बाय द डेवलपर, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, हम मतलब डेवलपर, इसके बाद हम ये वर्ड आएगा, यूजर ये वर्ड आएगा, या डेवलपर ये वर्ड आएगा, या प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर करके वर्ड आएगा, तो वो समझ जाइए आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसलिए इसको मैं यूज़ करते जाऊँगा हमेशा डेवलपर, यूज़र, प्रोग्रामर और आप करके, ओके, हम करके। तो जो ऑब्जेक्ट डेवलपर बनाता है हमारे वर्क के लिए, मतलब खुद के वर्क के लिए, खुद के पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, ओके। तो दोज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द सेल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, एंड दोज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द डेवलपर, दैट इज कॉल्ड एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, ओके। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, बताइए? यस, तो हमको यहाँ पे एनी डाउट्स? नो सर। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो है, दीज आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। नो डाउट मैंने संडे का टाइम इसलिए यूज़ किया हुआ है कि अभी बहुत जॉब्स निकले हुए हैं, और मुझे अभी एक कंपनी से हमने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, उनको 100 जावा सेल्फोर्स डेवलपर चल रहे लग रहे हैं उनको, तो मैं चाहता हूँ कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल पढ़ के एंटर कीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ आधा जितना होता है उतना सिलेबस पढ़ के अंदर चले जाइएगा,
बाद में अपन कोर्स कंप्लीट करते बैठेंगे, लेकिन आपका कंपनी चालू हो जाएगा। ऐसे चल रहा है यहाँ पे, इतना क्रेज चल रही है, इसलिए बी सीरियसली, बी प्रॉपरली, और पेमेंट का सोचो मत। ओके, 30-35 हज़ार तो ऐसे ही दे देते हूँ, ट्रेनिंग के वक्त 25-25 हज़ार रुपये देते हैं, और जब आपको एक्चुअल जब वर्क होता है ना, तो दैट टाइम आपका सीधा पैकेज 6 लाख 7 लाख का हो जाता है, और साल भर में आप सोचेंगे नहीं इतने हाई लेवल का चला जाता है। ओके, सिर्फ टाइम स्पेंड करो सेल्सफोर्स में। तो अकाउंट, कॉन्टैक्ट, 4 कस्टमर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमको ये 4 कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहले हम लोग देखते हैं, आज हम लोग स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मैं अभी समझा के देता हूँ, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और हम लोगों को अगले गुरुवार तक ये पूरा सिलेबस बनाना है। ये पूरा, ये हो गया आपका बेसिक, और शुक्रवार से हम लोग क्या करेंगे, एडवांस पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो आज अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 कलर्स दिए हुए, ये हम लोग ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डिटेल नाम का एक कस्टम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इसमें स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, उसका रोल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सब अपन देखेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे, डेटा फील्ड्स क्या होती है वो देखेंगे, और ये जो येलो कलर का होता है ना, इसको डिफॉल्ट फील्ड बोलते हैं हम लोग। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट फील्ड बोला जाता है, डिफॉल्ट फील्ड बोला जाता है इसको, इस फील्ड, इसको हम लोग डिफॉल्ट फील्ड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा के दूंगा। ओके, इसको डिफॉल्ट फील्ड बोला जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये रहेगा, और इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चालू करते हैं। तो अब समझ में आ गया ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी पूरी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो हम लोग जाते हैं एंड वर्क विथ यू। चलिए हम लोग एक और बता देते हैं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला है, दैट नेम इज कॉल्ड एज स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल नाम का एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। ओके, स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक अपन कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, ये हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इज इट क्लियर? अब कस्टम ऑब्जेक्ट में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे उसका फर्स्ट नेम, जैसे एग्जांपल तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नेम देंगे। यही बनाना है आपको, जस्ट मैं सिंपल बता रहा हूँ, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे अपन इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे अपन दे देंगे फर्स्ट नेम प्रीति। ओके, उसके बाद में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, हम लोग तो इसको बोलते हैं फील्ड्स, इसको बोलते हैं फील्ड, डेटा फील्ड। डेटा फील्ड इज अ एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और वेरिएबल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड दे गिव द डेटा टू द ऑब्जेक्ट। तो हमको ये डेटा को ऑब्जेक्ट देना है ना, तो ये फील्ड देती है, इसको फील्ड बोला जाता है। ओके, दिस इज अ एट्रीब्यूट और वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पे देते हैं लास्ट नेम। ओके, तो ये अपन लास्ट नेम दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा वो कार मोरे, इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी, स्टूडेंट डिटेल की। दीज आर कॉल्ड एज अ फील्ड। तो फील्ड का डेफिनेशन क्या है, फील्ड इज ए एट्रीब्यूट और अ वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, एंड दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ फील्ड। व्हाट इज अ डेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑपरेशन। स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जमा करना है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैसे जमा करेंगे हम लोग, उसका मुझे एज चाहिए, एज्यूम करते हैं मुझे इसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए या मोबाइल नंबर चाहिए, यस, तो यहाँ पे जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फील्ड। द फील्ड इज अ, फील्ड की डेफिनेशन क्या है, फील्ड इज अ एट्रीब्यूट और वेरिएबल, वेरिएबल टू प्रोवाइड द डेटा टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देंगे 9898, दिस इज कॉल्ड एज अ मोबाइल नंबर। तो ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अभी हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज अ स्टूडेंट डिटेल। अब कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं तो बताता हूँ आपको, चलिए ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग चालू है, वेरी नाइस।
वेट अ मिनट। तो अभी देखिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए हम लोग ये देखो सेटअप, जब भी कोई ऑपरेशन करना है सेल्फोर्स के अंदर तो हमेशा ये यूज़ करेंगे। ये जो होता है ना, ये आपका आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, शुक्रवार के दिन यही पढ़ाऊंगा, मतलब जब आप पेड कर दोगे ना तब ये पढ़ाऊंगा ये क्या रहता है। तो ये भी पढ़ाएंगे, ये भी क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है, ये बहुत काम का है आपके लिए। ओके, ये मालक है आपका, मतलब दिस इज़ कॉल्ड एज अ मेन पर्सन, दिस इज़ कॉल्ड एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आपके घर का जो पप्पा है ना वो यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज द मेन पर्सन और फर्स्ट पर्सन ऑफ योर सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट, और सेल्फोर्स एप्लीकेशन का ये फर्स्ट पर्सन होता है। क्या इंपॉर्टेंस रहता है देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सेटअप, हमको जो भी ऑपरेशन करना है तो बाय यूजिंग सेटअप ही करना पड़ता है। तो यू क्लिक ऑन द सेटअप, अगेन क्लिक ऑन द सेटअप, बहुत स्लो लेके चल रहे हैं। ओके, मंडे से अपना मतलब समझ लीजिए प्लेटफॉर्म में फर्स्ट सिटी बज गई जितने लोग बैठे हैं, वेरी गुड। सेकंड सिटी बज गई, वेरी गुड। थर्ड सिटी में अभी अपनी गाड़ी चालू हो गई है और कल उसका रफ्तार आएगा आपको। तो देखिए आप, दिस वन इज कॉल्ड एज अ दिस वन, ये रहेगा आपका। मैंने बताया था ये ऐप लॉन्चर किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, बताइए। फॉट इज, कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी स्टूडेंट डिटेल, याद है क्या, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको लॉन्च किया था। देखो यही है ना वो, देखिए, यस यस वेरी गुड। और उसके बाद हम लोगों ने होम देखा था, ऐप मैनेजर लिखा था, आगे जाके इसका यूज़ करना है। जब भी मुझे सेल्फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है या एप्लीकेशन में यूज़ करना है तो दैट टाइम होम यूज़ करेंगे। ये इसकी विंडो होती है, ये इसकी विंडो है, और ये ऐप लॉन्चर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये ऐप लॉन्चर की विंडो है। ये देखो उसके नीचे एक विंडो है किसकी, होम की। तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है, मुझे मेरा कोई एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये बटन के साथ काम करेंगे, और पुराने ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो ये बटन के साथ वर्क करेंगे। तो क्लियर हो गया, 1, 2, 3 और 4 का कंसेप्ट बना दिया, खत्म हो गया सेल्फोर्स। यहाँ पे सेटअप का मतलब समझ गए तो बाद में ये और ये तीन ही चीज़ होती है, और ये भी आपको पढ़ना है, ये सर्चिंग सेटअप क्या होता है ये भी अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो देखेंगे हम लोग इन फ्यूचर। तो फिलहाल अपने को अभी देखना है, तो मुझे न्यू ऑब्जेक्ट करना है तो ये बटन यूज़ करेंगे, मुझे पुराने ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो दैट टाइम आई यूज़ ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है कि पुराने ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना है, जस्ट टेल मी। हेलो, नया न्यू, वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ना, तो दैट टाइम वी यूज दिस बटन। ओके, तो यू क्लिक ऑन द क्रिएट एंड राइट डाउन, गो डाउनवर्ड एंड क्लिक ऑन द कस्टमर ऑब्जेक्ट। That time new window is open, okay? मैंने कल आप लोगों को ये डेटा भेजा हुआ है, चेक कर लो आप लोग, और जिसको भी नहीं आया होगा तो उनका मेल आईडी बराबर नहीं होगा तो यू चेक ऑन, और सब ओपन करके देखिए, वीडियो ओपन होते हैं उसको प्रॉपर वे से ओपन कीजिएगा, नहीं होता तो वो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर देना पड़ता है आपको। तो मुझे ये स्टूडेंट डिटेल नाम का कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ओके तो ये देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट, सॉरी, डिटेल, स्टूडेंट डिटेल नाम का एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, इसको बाजू में क्लिक करेंगे तो सेम नाम आएगा। देखिए कभी कभी हो सकता है मे बी इसके अंदर गलतियां हो सकती है, गलती से एक आधा नाम चेंज हो गया आपका, देखो ऐसा, और मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूंगा तो वो एक बार आ गया तो ये चेंज नहीं होता, ये और ये नाम सेम रहना चाहिए, होता है गलती। तो ऐसे वो क्या करना है, इसको पूरा इसको डिलीट कर देना, बता रहा हूँ एरर्स आती है तो कैसे सॉल्व करना। ओके, और यहाँ पे वापस से वर्क करना और वापस से लिख लेना यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल। ओके, और बाजू में क्लिक करना तो आ जाएगा यहाँ पे, इज इट क्लियर, क्लियर हुआ गया आपको। उसके बाद देखिए ये लेबल से ऑब्जेक्ट, इसका मतलब बताऊंगा, और यहाँ पे लिखा है प्यूरल फॉर्म, व्हाट इज मीन बाय द प्यूरल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे ये अकाउंट्स है, देखो एस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा। आपके एक बैंक है, बैंक के अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट रहता है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, बताओ, नंबर ऑफ। जैसे आप अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए आप स्टूडेंट डिटेल का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें एक ही लड़का एडमिशन लेगा क्या, एक ही लड़की का रिकॉर्ड रहेगा क्या, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग एस लिखते हैं,
एस, कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, और अभी स्टूडेंट डिटेल्स में एस लगाएंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स रहेगा यहाँ पे, इसे क्लियर। तो इसके आगे हम एस लिखेंगे। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, दीज आर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, स्टूडेंट डिटेल, इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए हर चीज़ हम लोग प्रॉपर वे से देखेंगे। वेरी इजी सॉफ्टवेयर, वेरी एज कम्पेयर टू जावा एंड C++। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट डिटेल्स यूज करेंगे हम लोग। आफ्टर डेट गो डाउनवर्ड। यहाँ पे देखिए रूल्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग कोई कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो दैट टाइम आपको एक डिफॉल्ट फील्ड देना पड़ता है सेल्फोर्स के अंदर, सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट, तो उसमें एक डिफॉल्ट फील्ड आपको देना ही पड़ता है, कंपलसरी। ओके, कंपलसरी आपको एक डिफॉल्ट फील्ड देना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो वो डिफॉल्ट फील्ड कौन सी होती है, वो ये होती है। देखिए आप लोग इसको एज्यूम करो, हम लोग नीचे लेके जाते हैं। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैंने, हम लोगों ने यहाँ पे येलो कलर में मैंने रिप्रेजेंट करवा के स्टूडेंट रोल नंबर, इसको डिफॉल्ट बोला है। तो याद रखिएगा, इसका यूज़ मैं बाद में बता दूंगा। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो रेडीमेडली सेल्फोर्स ने क्या किया, उसको बना दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर कीजिए, ये देखिए स्टूडेंट डिटेल नाम का आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही बना देंगे, वैसे ही वो क्या करेगा, एक फील्ड बना देगा। ओके, डिफॉल्ट, क्योंकि रूल ऐसा होता है कि कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें एटलीस्ट वन फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये फील्ड खुद ही बना के देता है, स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट का नाम लेके उसके आगे नेम डाल देता है। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रोजेक्ट का चाहिए। क्या नाम चाहिए? स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, तो एंड इसको लिखते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, और ये ऑटो नंबर में चाहिए, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटो नंबर, मैं समझा के दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे ऑटो नंबर दे देंगे, और ये जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसका मीनिंग मैं समझा दूंगा जब अपन रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, तो दैट टाइम मैं आपको ऑटो नंबर क्या होता है ये समझा दूंगा आप लोग। ओके, तो यहाँ पे देंगे एस, और यहाँ पे देंगे एस आर एन, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। एस मतलब स्टूडेंट, आर मतलब रोल नंबर, एंड एन मतलब नंबर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है। अब हमारा रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, रोल नंबर मुझे बताइए कहाँ से स्टार्ट होता है? 001 से ना, इज इट क्लियर? ये देखो यहाँ पे One. यस, हम लोग हमेशा स्टार्ट वहीं से करते हैं ना। वेट अ मिनट, अभी हम लोग, यस अब विजिबल हो रहा है आपको, देखिए अब यहाँ पे देखिए 40000, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो भी साइज रहेगा वो इतना रहेगा, मतलब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट की एंट्री कितनी रह सकती है बताइए, 9999। यस सर, यस, म्यूट करिए। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, 10,000 स्टूडेंट एट अ टाइम नहीं पढ़ते हैं, बट पुराना रिकॉर्ड भी रहता है ना, उसको भी कंसिडर किया जाता है एज अ रिकॉर्ड। जैसे आप कोई कॉलेज में हो गए, रायसोनी कॉलेज में हो गए, आप पास आउट हो गए 2017 में, ओके, तो ऐसा तो नहीं 17 में पास हो गए तो आपका पूरा डेटा डिलीट कर देते हैं, नहीं, वो डेटा रहता है, क्योंकि आप कभी 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस कॉलेज में जाते हो आप लोग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो रिकॉर्ड्स बहुत रहते हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि 1,00,000 रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे 0 दे दीजिए, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो ये इंडिकेट करता है साइज, तो इसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड्स कितने रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1,09,00,000, समझ में आ रहा है क्या आपको? इज इट क्लियर? 9,99,999 यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड्स रहेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? 0001, क्योंकि पहला रिकॉर्ड जहाँ से भी स्टार्ट होगा, दिस वन। इज इट क्लियर? आगे जाके आपको ये पढ़ना है, ऑप्शनल फीचर्स मैं पढ़ाऊंगा इसको, हाँ, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउ रिपोर्ट्स, अलाउ एक्टिविटीज, ट्रैक फील, ये हम लोग पढ़ेंगे हर चीज़, क्योंकि हम लोग चैटर बॉक्स क्या होता है मैंने कल समझा के दिया था, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। अभी बस बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जब एक महीने के बाद हम लोग जब आपका एडमिन पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बताएंगे हम लोग। ओके, वो जापनीज कंपनी जो है, जापनीज जो यूनिवर्सिटीज़ है
उसका ही लाइव प्रोजेक्ट्स मैं आपको कवर करवा के दूंगा, ओके। और इसी प्रोजेक्ट को लेके आपको कंपनी में जाना है, इसे क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी छोड़ रहे हैं हम लोग, या आगे जाके हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है ना बल्क API क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टेटस, इन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिप्लॉयड। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय द इन डेवलपमेंट, इज इट क्लियर। आप अभी प्रोजेक्ट बना रहे हो कि आपका पूरा प्रोजेक्ट हो गया है, बताइए मैम। यू आर योर प्रोजेक्ट इज इन प्रोग्रेस, तो आपका इन डेवलपमेंट रहेगा आपका, समझ में आ रहा है आपको, इज इट क्लियर। और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, योर प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट आपका प्रोजेक्ट पूरा रेडी है, जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक में जब अपन अकाउंट निकालने के लिए आते हैं और अपन अकाउंट निकालते हैं, उसके बाद वो जो ऑफिसर होता है वो बोलता है वो ऑफिसर बोलता है कि आप ये प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इज इट क्लियर। और हाँ यस, प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में हमारे बैंक का ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो वो जो ऐप रहता है जो आप डाउनलोड करते हैं हमारे आपके मोबाइल के ऊपर, तो वो कंप्लीट ऐप रहता है बना हुआ, वो डेवलपमेंट में नहीं रहता है, कंप्लीट। इसको डिप्लॉयड बोला जाता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब आपका पूरा जो एप्लीकेशन वो बन गया है और रेडी टू कस्टमर, मतलब कस्टमर को भेजने के लिए तैयार रहता है, दैट इज कॉल्ड द डिप्लॉयड, इज इट क्लियर। उसको डिप्लॉयड बोला जाता है। नेक्स्ट चीज आपको एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया आपका डिप्लॉयड। तो फिलहाल हम लोग इन डेवलपमेंट में है, लेकिन इसका एक फंडा होता है क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग डिप्लॉयड में वर्क करेंगे। जब अपन कंपनी में एक्चुअल रहते हैं ना काम, सैंडबॉक्स में अपन काम करते हैं, प्रोडक्शन बॉक्स में काम कर रहा हूँ, फ्री वर्जन में एक सैंडबॉक्स करके रहता है, आगे जाके पढ़ेंगे ये वर्ड्स, ओके। कंपनी में इंट्रोड्यूस में देते वक्त सैंडबॉक्स, प्रोडक्शन बॉक्स वो रहता है, कार्बन कॉपी, फुल कॉपी, पार्शल कॉपी, ओके, कॉमन डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, QAT बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये वर्ड यूज़ करोगे, मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग डिप्लॉयड यूज़ करेंगे, ओके, फिलहाल कन्फ्यूज मत होना, बाद में अलाउ सर्च करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टू ऑफ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू क्लिक, देखिए इसको क्लिक करना है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टमर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ टैब सेक्शन, इसको हम लोग टैब सेक्शन बोलते हैं। ये देखिए ये आपका टैब सेक्शन है, ये टैब सेक्शन है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे आना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस जगह पे, ओके। तभी जाके अपन इसको ऐसे क्लिक करेंगे और प्रोसेस करेंगे ना हम लोग जो भी है, ओके। तो वो मुझे एप्लीकेशन में शो होना चाहिए, तो वो शो करने का काम जो होता है ना वो कौन करता है, ये देखिए लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं करोगे आप लोग तो आपका ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, ओके, वो सेल्फोर्स में रहेगा लेकिन आपके एप्लीकेशन में शो नहीं होगा, ओके। तो इसको क्लिक करेंगे एंड सेव इट। चलिए बना लिए हम लोग, सेव कर देंगे। टेक सम टाइम, व्हाई दे टेक सम टाइम, बिकॉज योर कंप्यूटर इज टर्मिनल, आपके कंप्यूटर, दिस इज अ क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन, द क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन, आपका कंप्यूटर एक सिर्फ टर्मिनोलॉजी रहता है, टर्मिनल रहता है, सिर्फ वो प्रोसेस कर रहा है, बट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन US, वो क्लाउड के थ्रू आपके, दिस इज योर सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है क्या, नहीं, वो US के बेस में है। हमने क्या किया, हमको जो टास्क लग रहा था वो बनाया और सेव किया, तो सेव किया तो आपके मशीन में सेव हो रहा है कि आपके कंप्यूटर में सेव हो रहा है, नहीं, वो वापस US में जाके सेल्फोर्स सर्वर में स्टोर हो रहा है, तो दे टेक सम टाइम, ओके। उसके बाद इसका यूज़ बताता हूँ, इसको सिर्फ हम कलर दे देंगे एक, इसका इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब अब एक टॉपिक आएगा उस टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल आपको ये दिखेगा नहीं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा रहता है, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कल, येस्टरडे, इज इट क्लियर। हाँ, गुड मॉर्निंग इंदू मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, एक्चुअली मैं बात करता हूँ आपको, ओके। तो आपको मैं वीडियोस में भेज दूंगा आपको, ओके, और मुझे सिर्फ मेल आईडी आपका भेज दीजिएगा, दो दिन का ये थर्ड डे है यहाँ पे, तो मैं आपको भेज देता हूँ, तो वो वीडियोस प्रॉपरली पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा फिलहाल, ओके। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हमने आपको कल बताया था यहाँ पे
कि आपका एप्लीकेशन को कौन हैंडल करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जस्ट टेल मी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यस और नो। हमको कोई भी चीज़, हम लोगों ने क्या किया अभी ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ पे ऐड करना है, मेरे एप्लीकेशन में ऐड करना है, कहाँ पे, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम के एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है। हमने अभी बनाया ना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि इतने स्लोली पढ़ाया नहीं जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी जस्ट शुरुआत है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट, तो ये मुझे आपको क्या करना है, दिस इज़ योर वाइट बोर्ड, ओके। तो हमको इसको ऐड करना है, कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है, ऊपर। ये देखो पहले यहाँ पे अकाउंट नाम का एक आपका ऑब्जेक्ट था, दूसरा कॉन्टैक्ट नाम का ऑब्जेक्ट था, और तीसरा आप लोगों का अभी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन को मुझे बाहर से कोई भी चीज़ ऐड करना है तो फर्स्ट मुझे किसको बताना पड़ेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। विदाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जाएंगे नीचे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, इसको इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, देखिए नीचे जाइए आप लोग, ये देखिए लग रहा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सॉर रूम, इसको क्लिक रहना ज़रूरी है, बाकी क्लिक रहे ना रहे चलेगा, ओके, इसको क्लिक रहना ज़रूरी है, इज इट क्लियर। कभी कभी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्टली देखिए, इसको ऑन कीजिए, इसको डिफ़ॉल्टली ऑफ कर दीजिए, ओके। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सभी ऑफ है, ओके। और ऐसे आपको करके हम नेक्स्ट चले गए ना, तो आपका ऑब्जेक्ट तो बना रहेगा सेल्फोर्स के अंदर, लेकिन वो शो ही नहीं होगा एप्लीकेशन के अंदर, क्लियर हो गया आपको। तो इसको स्पेशली जाके ऑन कर सकते हैं आप, बाकी ऑफ रहे ऑन रहे उससे लेना देना नहीं है उसको, इज इट क्लियर। लेकिन इसको ऑन रखना ज़रूरी है। फिलहाल आप न्यू कमर्स हो, इसका मीनिंग नहीं पता है आप लोगों को, नहीं तो क्या होगा, कभी कभी एक्सेस बंद हो जाता है तो आपको समझ में ही नहीं आता, अरे आपने क्या किया। तो फिलहाल हम लोग बेसिक में लेवल पे है तो सबको ऑन करके रख देंगे, ओके। ये देखिए इसका मीनिंग होता है, जब आप कंपनी में काम करते हैं तो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। वेबसाइट में मुझे ऑथेंटिक देना है क्या, मुझे वेबसाइट से डेटा को कहीं जगह दूसरे जगह पे मुझे भेजना है क्या, तो ये सब रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल हम पढ़ने के हैं ऐसे क्लियर, तो इसलिए हम तो सबको ऑन करके रख देते हैं। चलिए ऑन हो गया आपका, नेक्स्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे कहाँ पर यूज़ करना है बताइए, ये ऑब्जेक्ट कौन से एप्लीकेशन में यूज़ करना है, दैट नेम इज़ कॉल्ड द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इज इट क्लियर। तो वहाँ पे ऑन करना है मुझे, तो यस हम लोग जाएंगे वहाँ पे और यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि बाकी को क्लिक नहीं करना है आपको, तो ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें ही क्लिक होना चाहिए। तो हम सेव कर देंगे हम लोग, ओके, सेव हो गया मेरा। देखो आपका स्टूडेंट डिटेल नाम का बन गया, और ये देखिए, तो देखिए हमने क्या किया, तो दिस इज़ योर ओल्ड विंडो या दिस इज़ योर न्यू विंडो। तो कभी भी याद रखिएगा, सेल्फोर्स ने आपको फैसिलिटीज दी है, आपको इसको राइट क्लिक कीजिएगा और डुप्लीकेट में जाइएगा तो आपको सेम विंडो क्रिएट होगी। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ़ विंडोज़ दिए हुए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट नंबर ऑफ़ विंडोज़, ओके। बिकॉज ऑफ हम लोगों को डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि हमने पुराना काम कहाँ पे छोड़ा हुआ है और न्यू काम हमने कहाँ पे कर रहे हैं, इज इट क्लियर। यहाँ पे तो इस तरह इंडिकेट करते हैं हम लोग, एक ओरिजिनल काम के विंडो को एक जगह पे स्टेबल कर देते हैं और मुझे न्यू काम करना है तो हम लोग एक ही विंडो पे कर सकते हैं, ओके। बट आपको डिस्टिंग्विश नहीं होगा एक घंटे के बाद कि मैंने यार एक घंटे पहले कौन सा काम किया, एक घंटे के बाद कौन सा काम हो रहा है। तो डिस्टिंग्विश होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ विंडोज़ क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये विंडो में दिख रहा है कि मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, और ये विंडो में दिख रहा है कि मैं पुराने ऑब्जेक्ट के साथ हूँ। तो जब मैं न्यू विंडो के साथ काम करता हूँ एंड आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टूअर्ड द ओल्ड विंडो, तो कभी भी याद रखिएगा ये विंडो सेपरेट है। एक घंटे पहले का जो कस्टम वर्क था वो यहाँ दिखेगा, आफ्टर वन आवर कस्टम डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो पुराने विंडो के अंदर नया विंडो का डेटा नहीं आता है, वो लेके आना है तो हम लोगों को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो कभी भी याद रखिएगा, इफ़ यू शिफ्ट फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो इन यूर सेल्फोर्स, दैट टाइम आप लोग यू रिफ्रेश यूर ओल्ड विंडो और एनी विंडो। इफ़ यू शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर विंडो और अनदर विंडो, सो फर्स्ट
आपको काम करने के पहले यू रिफ्रेश दैट विंडो एंड देन एंड देन यू एड इट. तो देखिए आप आ गया आपका स्टूडेंट डिटेल. यस लिसन हियर यू सॉ नो ये आ गया आपका. तो मैंने इतना टाइम आपको जो किल किया ना क्यों किया था किल, क्योंकि वो जो डेटा था ना आपको वो डेटा स्टोर होने के लिए टाइम लग रहा था आपको, और वो बाद में यूएस में स्टोर होता है और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है. आपका कंप्यूटर सिर्फ टर्मिनल है. इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया था ना कभी भी याद रखना. ओके आपका कंप्यूटर मतलब कौन है? हल्दीराम का मैनेजर है बस. खाना खाने के लिए हम जा रहे हैं, कुक खाना बना रहा है, सर्व भी कोई और कर रहा है, पैसे अपन पे कर रहे हैं. ओके मैनेजर क्या कर रहा है? सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को. हमारा लैपटॉप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. डेटा भी सेलफोर्स सर्वर भी सॉफ्टवेयर भी सर्वर से सेलफोर्स यूएस से आ रहा है. काम भी हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ वो होटल में जाके वो मैनेजर के सामने अपन खाना बैठ के खाना खा रहे हैं बस. लेकिन वो जब पैसे भी पे करके हम हमारे घर में चले जाएंगे. इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें हैं. तो ये टर्मिनल है आपका सिर्फ. क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए एनी डाउट. हम लोग 9:45 को चालू किए तो 9:45 को मैं एंड करूँगा. और मंडे से मैं अभी कौन आ रहा है किस तरह से वर्क हो रहा देखेंगे नहीं. मैं 6:00 और 6:05 में मैं बराबर बैच चालू करूँगा, क्योंकि मेरी कंटिन्यू 6 बैचेस होती है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. तो मैं आपका कोई भी बैच शिफ्ट कर दूंगा, 7 to 8 में करवा दूंगा आपको जो भी टाइम पे. और वो टाइम आपका हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, दैट टाइम चेंज नहीं होगा आपका. ओके तो और दूसरा चीज़ आप लोगों को ये बता देता है कि टाइम पे फॉलो करो, क्योंकि हम लोग बहुत जॉब बैठे हुए हैं आपके राह में. तो इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करो. और कोई क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहता है जिसको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो एक क्रैश कोर्स हम लोग चालू करेंगे. उसमें एज अर्ली एज पॉसिबल 1.5 महीने में आपका सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आपको 1.5 महीने में एंट्री करवा देंगे. हम जॉब का सोचो मैं, जॉब होना ही है, मिलना ही है आपको, इतने जॉब्स पड़े हुए. अब इंदु मैम मेरे ख्याल से बेंगलोर में रहती है, तो उनको पता है कि वहाँ सेल्फोर्स की कितनी क्रेज़ है. चेन्नई में रहती है शायद मैम. हेलो हाँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी तक का? जस्ट टेल मी. नो सर. हेलो सर. हाँ बोलिए सर. आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? हाँ सर, रोज का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको सर. वेनेसडे तक आपको, नेक्स्ट गुरुवार तक आपका सब रिकॉर्ड आपको मिलेगा. सिर्फ किसी को जो रिकॉर्डिंग नहीं जा रही है ना, तो यू सेंड मी द मेल आईडी. ओके प्रॉपर मेल आईडी. और तो मैं अभी तुरंत जैसे अपना क्लास खत्म हो जाएगा उसको तुरंत दे देंगे हम लोग आपको. ओके हाँ, सिर्फ फ्राइडे से मैंने जो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स है जो क्वेश्चन आंसर से वो नहीं दूंगा मैं, वो रजिस्टर्ड लोगों को ही दूंगा. फिलहाल मैंने आप लोगों को वीडियोस में भेजते जाऊंगा, और शुक्रवार से सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही वीडियोस आएंगे. ओके तो हम लोग बना लिया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स. ओके अब ये ऑब्जेक्ट फिलहाल जो रहेगा आपका, दिस इज ऑब्जेक्ट. फिलहाल इस ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ओके तो अभी देखते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अकाउंट. और यहाँ पे अपन न्यू में जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड एज अ फील्ड्स. हमको ये फील्ड्स ऐड कर रहे हैं. जैसे मुझे अभी बनाना है यहाँ पे, मैं एक फील्ड बना देता हूँ प्रीति कारमोरे. ओके उसके बाद अकाउंट नंबर दे देते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस कस्टमर की. ओके उसके बाद रेटिंग दे देंगे हम लोग. ये हॉट वार्म कूल ये बहुत काम का रेटिंग है इंटरव्यूज में आपको को ये बहुत काम का है. बहुत मतलब बहुत ही है. आपका सेल्फोर्स में जब इंटरव्यू होगा तो ये रेटिंग हॉट वार्म और कूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है. तो यहाँ पे दे दें हम लोग एक फ़ोन नंबर दे देते हैं हम लोग. ओके वेबसाइट दे देते सिंपल www.google.com हम लोग दे देते हैं यहाँ पे. इज इट क्लियर? यहाँ पे देखिए एक रेड कलर दिख रहा है अकाउंट के आगे. देखिए दिस इज कॉल्ड एज अ रिक्वायर्ड फील्ड. दिस इज कॉल्ड एज अ रिक्वायर्ड फील्ड. लिखो इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो लिखा है रिक्वायर्ड फील्ड. दिस इज कॉल्ड एज अ कंपल्सरी फील्ड एंड दिस फील्ड्स आर कॉल्ड एज अ ऑप्शनल फील्ड. ओके तो जो कंपल्सरी फील्ड होती है ना वो लिखना ही पड़ता है. देखिए इसको मैं निकाल देता हूँ. और मैं हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शनल फील्ड. ये ऑप्शनल फील्ड थी फिलअप नहीं की, नहीं ज़रूरत है ये ऑप्शनल फील्ड फिलअप की. ये ऑप्शन फील्ड है, मुझे फिल करना है नहीं करना है इट्स डिपेंडिंग. ओके मुझे टाइप पे फिल करना है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज यूज़ करना है बैंकिंग, आई यूज़ दैट बैंकिंग. मुझे टाइप यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज़ अ ऑप्शनल. ओके ऑप्शनल में आप लोग यूज़ करो नहीं करो चलेगा आपको. एम्प्लॉयज़ मुझे देना है आपको, 20 एम्प्लॉयज़ रहेंगे मेरे कंपनी में. ओनरशिप पब्लिक देना है, दो दीजिए.
एनुअल रिन्यू नहीं देना है, रिवेन्यू नहीं देना है, एसआईसी कोड नहीं देना है, दीज आर द ऑप्शनल, बट दिस इज योर कंपलसरी फील्ड। ये कंपलसरी फील्ड अपन देना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देता है। अब इसको सेव कर देंगे तो वो एरर दे देगा आपको, ओके, बिकॉज दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। तो हर एक फॉर्म में एक रिक्वायर्ड फील्ड बनाना पड़ता है, नहीं बनाया तो भी चलेगा, पर दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड का यूज़ होता है, ओके, हमको इसको कंपलसरी देना ही पड़ता है यहाँ पे। तो हम लोग देते हैं प्रीति कार मोरे, दैट इज कॉल्ड द प्रीति कार मोरे एंड सेव द डेटा। तो ये देखिए एक डेटा सेव हो गया आपका, देखिए हम लोग इसको बोलते हैं वन रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड बोलते हैं हम लोग। और जाएंगे अकाउंट के ऊपर जाएंगे हम लोग, न्यू पे जाएंगे हम लोग, न्यू पे जाने के बाद हम लोग एक दूसरा रिकॉर्ड बना देते हैं, पार्थ गिरे, ओके, एक अकाउंट नंबर दे देते हम लोग, इज इट क्लियर। बाद में रेटिंग दे देते हॉट, और मुझे बाकी का नहीं सिलेक्ट करता, मैं ओनरशिप दे देता हूँ प्राइवेट, सेव कर देता हूँ, इज इट क्लियर। दिस इज योर सेकंड रिकॉर्ड, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, इसलिए हम लोग इसके आगे एस लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म। दैट इज कॉल्ड एज अ प्लूरल फॉर्म, इसको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं हम लोग। दीज आर कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड्स, इसको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इसलिए हम लोग एस लिखते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम लोग एक रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, पार्थ गिरे का रिकॉर्ड रहेगा, प्रीति कारमुरे का रिकॉर्ड रहेगा, तो इस तरह से रहेगा। हमको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, दीज आर कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड्स, ओके। और मुझे बनाना है तो ऐसे रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे बनाना है, तो हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट नेम डेटा फील्ड, फर्स्ट नेम यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ और प्रोसेस करेंगे। आज फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम बनाएंगे। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, इज इट क्लियर। डेटा टाइप मतलब क्या होता है, इस फील्ड के अंदर मुझे कौन सा डेटा देना है वो सेल्फोर्स को आपको बताना पड़ता है, इज इट क्लियर, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में अपन क्या देंगे, 1 2 देंगे कि ABCD देंगे, वहाँ पे बताइए आप लोग। यू यूज अ नंबर और यू यूज अ अल्फाबेट, यस कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यस यस, द फर्स्ट नेम हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे लेटर्स यूज करेंगे ABCD, सो दैट्स व्हाई आई यूज अ डेटा टाइप टेक्स्ट, इज इट क्लियर और नॉट। डेटा टाइप इंडिकेट करता है कि इस फील्ड में हम लोग कौन सी डेटा को एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पे हम लोग ABCD लिखेंगे कि 1 2 देंगे। यू यूज अल्फाबेट्स और यू यूज नंबर्स, ओके। तो मोबाइल नंबर पे हम नंबर देंगे, तो दैट टाइम डेटा टाइप क्या रहेगा, नंबर रहेगा आपका। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। अभी हम लोग डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हम लोग नंबर के फॉर्मेट में ही देते हैं, लेकिन हम लोग वो डेटा के, डेट के फॉर्मेट में देते हैं, मंथ मंथ, DD, YY और DD, YY, इंडियन टाइम्स, DD, YY, तो डेट का फॉर्मेट रहता है, तो उसके लिए डेट यूज़ करते हैं। तो डेटा टाइप इंडिकेट करता है कि डेटा फील्ड में कौन सा डेटा रहना चाहिए, वो हमको नहीं सेल्फोर्स को बताता है, इज इट क्लियर। तो सेल्फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही लेगा, कोई ए लेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, टेक्स्ट ही लेगा, ओके। तो हम लोग आज ये फर्स्ट नंबर बना देते हैं, फर्स्ट नेम। सेल्फोर्स इतना भी ईजी नहीं रहता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये तो बोलेंगे वेरी ईजी। तो चलिए हमको वर्क करना है। मुझे बताइए, हमको जो फर्स्ट नेम है वो मुझे अकाउंट में देना है, कॉन्टैक्ट में देना है, कि स्टूडेंट डिटेल में देना है, जस्ट टेल मी। हेलो, स्टूडेंट डिटेल, यस। तो जब भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है या मुझे कुछ भी ऑपरेशन करना है, अभी नया ऑपरेशन है ना, स्टूडेंट डिटेल के अंदर मुझे फर्स्ट नेम क्रिएट करना है, तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग ये सेटअप पे जाते हैं, ये सेटअप पे जो भी अपने को वर्क करना है ना, ऑपरेशन, यू कैन बी परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन द सेल्फोर्स, तो दैट टाइम यू गो टू द सेटअप, ओके। यू क्लिक हियर, अगेन क्लिक हियर, इज इट क्लियर। अब मुझे बताइए यहाँ पे, अगेन द फोर, ऐप लॉन्चर, होम, ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड क्रिएट। मुझे बताइए अभी, मुझे
न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है कि पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर ही प्रोसेस करना है. ओके, आई वर्क फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट और आई वर्क फॉर द ओल्ड ऑब्जेक्ट, बताइए मुझे. अरे स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट पहले ही बना चुके हैं ना हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर. यस बनाया ना, तो दिस इज योर ओल्ड ऑब्जेक्ट. ओके यस और नो. ओके, तो मुझे ओल्ड ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है, तो मैंने आपको कल ही बताया था, समझा के दिया था आपको, यस और नो, कि हम लोग नए के साथ काम करना है तो इसके साथ यूज करेंगे और पुराने के साथ जाना है तो इसके साथ काम करेंगे, यस और नो. तो मुझे पुराने ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो ये ऑब्जेक्ट मैनेजर को क्लिक करेंगे. अब समझ में आ गया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएट टैब एंड द न्यू ऑब्जेक्ट मैनेजर. इफ यू हैव द ओल्ड डेटा एंड यू वर्क विद द ओल्ड ऑब्जेक्ट तो दैट टाइम वी यूज ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब. इफ यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट तो दैट टाइम आई यूज अ क्रिएट टैब. इज इट क्लियर? तो मुझे पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ स्टूडेंट डिटेल नाम का, उसके अंदर मुझे जाके उसके अंदर फील्ड्स ऐड करना है. तो दिस इज योर ओल्ड ऑब्जेक्ट, यू आर वर्किंग विद ओल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट्स वाई यू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट मैनेजर. देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, दीज आर कॉल एज द थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द सेल्सफोर्स. देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये ऑब्जेक्ट सब स्टैंडर्ड रहेंगे. जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में पहले से बने हुए रहते हैं, दोज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड इन द सेल्सफोर्स दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. ये देखो है, ये सब बहुत है, देखो नीचे जा और हो जाएगा, वो बहुत ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, अल्फाबेटिकल वाइज दिए उन्होंने. देखिए देखिए अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन द सेल्सफोर्स. उसमें से मुझे मेरे एप्लीकेशन में कितना चाहिए उतना ले लिया. अपन आगे जाके बढ़ेंगे, नियर अबाउट 9 to 10 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. फिलहाल अपन हम लोग ये दो ही यूज़ कर रहे हैं. और ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है? दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, हमने बनाया हुआ कस्टम ऑब्जेक्ट है. क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो ये हमने बनाया हुआ कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो वो अपन देखेंगे. तो यहाँ पे तो देखिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये देखो दीज आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और ये आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट डिटेल. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, दिस इंडिकेट दैट दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट. ओके, और ये जो रहेगा ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. तो देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ रूल्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते, ये सेल्सफोर्स बनाता है, हम लोग हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते ना मॉडिफाइड कर सकते, हम लोग सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर. देखिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते क्योंकि सेल्सफोर्स ने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है. उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हम लोग, देखिए. ओके, और उसको मॉडिफाइड भी नहीं कर सकते हम. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नेवर क्रिएटेड, नेवर डिलीटेड एंड नेवर मॉडिफाइड, सिर्फ उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं. दिस इज योर कस्टम ऑब्जेक्ट, यह हम ही बना सकते हैं. देखो 12 फेब को हमने, 13 फेब चाहिए, 13 फेब को हमने बनाया हुआ है इसको. इज इट क्लियर? क्रिएट किया है हम लोगों ने. कैसे इंडिकेट करेंगे? अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से इंडिकेट करेंगे हम लोग. और उसको हम लोगों को देखिए, ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट मतलब मॉडिफाइड भी कर सकते हैं. तो कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड करना तो मॉडिफाइड भी कर सकते हैं. लेकिन बाकी जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो समझ में आ गया, पहचान लेंगे आप लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से. अब इतना रोलिंग करने की मेरे को ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा यहाँ पे जाइए क्विक फाइंड करके, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल लिख लेते हैं. देखिए लिसनिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गया. तो ये देखिए हम लोग आ गए स्टूडेंट डिटेल के अंदर. ओके, तो जैसे हम लोग ये हमारे एप्लीकेशंस के अंदर है, तो दूसरे विंडो के अंदर हम लोग इस ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर चले गए. देखिए तो ये हमको अभी पढ़ना है, आने वाले 30 डेज में हमको ये पूरा पढ़ना है. बहुत ईजी है, ऐसा दिमाग लगा के मत कीजिएगा इसको, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, टेंशन लेके मत कीजिएगा. मैं हर चीज़ प्रॉपर वे से समझेंगे. यू गिव द टाइम, यू स्पेंड सम टाइम. ओके, कोई भी चीज़ में टाइम स्पेंड करना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो डेफिनेटली आउटपुट आता ही है एज कम्पेयर टू जावा पाइथन. ओके, इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि मैं पहले जावा में ही वर्क करता था, इज इट क्लियर? तो मुझे पता है एज कम्पेयर टू बहुत ईजी है. और आने वाले जो सॉफ्टवेयर आने वाले हैं इन फ्यूचर, ये सभी सॉफ्टवेयर कोडलेस रहेंगे, मतलब कोड फ्री रहेंगे.
इज इट क्लियर? सिर्फ आपका लॉजिक स्ट्रांग रहना चाहिए. तो दीज आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज. तो ये स्टूडेंट डिटेल का, स्टूडेंट डिटेल नाम का जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसका ये पहला प्रॉपर्टी है डिटेल. इसमें दिया हुआ है एपीआई नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ये कस्टम है आपका, कब बनाया क्या बनाया ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा. इसका प्यूरल फॉर्म क्या है या सिंगुलर फॉर्म क्या है ये सब आपको दिखेगा. अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक फील्ड बनाना है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया ना अकाउंट के अंदर. बस ये दो मिनट में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एंड कर देंगे हम लोग क्लास को. चलिए, वन आवर्स हो गया, बस 5 मिनट. तो यहाँ पे अपन बनाएंगे, जैसे हम लोग न्यू पे जाते हैं तो एक फील्ड बना के दिखाता हूँ, कल अपन देखेंगे. ये ऐसी एक फील्ड बनाएंगे हम फर्स्ट नेम की, ये हम लोग देखते हैं, टेक सम टाइम. ये फर्स्ट नेम बनाते हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट. ये ऑटो नंबर मैं समझा के दूंगा, क्योंकि जब प्रोसेस करेंगे तब समझ में आएगा. तो यहाँ पे देखिए, ये विंडो में मैं आपकी एप्लीकेशन शो कर रहा हूँ, दूसरे विंडो में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए, फील्ड एंड रिलेशनशिप है. मुझे कोई भी फील्ड क्रिएट करना है तो इस प्रॉपर्टी पे जाऊँगा. तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग न्यू पे जाते हैं, नया प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे हम लोग. ओके, न्यू में तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम बनाना है, दिस वन फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम को मुझे क्या चाहिए बताइए, डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट. ये पूरे डेटा टाइप आपको मैं पढ़ा दूंगा, टोटल पढ़ा दूंगा, बहुत ईजी है, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई याद, क्योंकि हमको इतने बार बनाना है ना वो, तो याद हो जाते हैं आपको. देखिए, आज का संडे है तो वेनसडे के दिन आपको पूरा याद हो जाएगा. कोई चीज़ याद मत रखो, मैं वापस बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ तो कोई भी चीज़ याद नहीं रखेंगे आप लोग, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाती है, सिर्फ प्रैक्टिस करो आप लोग. तो यहाँ पे देखेंगे डेटा टाइप्स, नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग. ओके, और जब कंपनी में आपको बनाने के लिए बोलते हैं तो उस वक्त लिखा रहता है उसके आगे पूरा, टिकट्स बोलते हैं इसको या स्टोरीज बोलते हैं, तो वो सब लिख के आता है. तो यहाँ पे हम दे देंगे फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग. अब ये फर्स्ट नेम में कितने लेंथ रहना, लेंथ इंडिकेट करता है कि उसमें कितने कैरेक्टर यूज़ होने चाहिए मैक्सिमम. हम लोगों ने 30 देंगे, मुझे 20 देना है तो 20 दे सकते हैं आप. तो यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर कितने रहेंगे, 20, 21 कैरेक्टर उसके अंदर नहीं आएगा. मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये अकाउंट में जाएंगे ना, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, तो ये जो है ना इसमें, इसमें मैक्सिमम 20 कैरेक्टर रहेंगे. समझ में आ रहा है, 21 कैरेक्टर उसके अंदर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा. आपको लग रहा है कि लेंथ बढ़ाना है, कभी कभी किसी का, मुस्लिम लोग रहते हैं या साउथ इंडियन लोग रहते हैं तो उनका नाम ज़्यादा बड़ा रहता है. तो यहाँ पे अपन 30 दे देंगे हम लोग. यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था ये रिक्वायर्ड फील्ड, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ. देखो, एक एक फील्ड का एक एक टॉपिक मैं बराबर कवर करवा के देता हूँ, मतलब जब इंटरव्यू में जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ आपने पढ़ी है. ये न्यू पे जाते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड फील्ड. ये फील्ड जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सेव नहीं होता है, और दीज आर कॉल्ड ऑप्शनल फील्ड. तो मुझे फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड. ओके, ये भी कंपनी में लिख के आता है, आपको फील्ड का नाम लिख के आता है, रिक्वायर्ड करना है नहीं करना है ये सब लिख के आता है. तो यहाँ पे देखिए, वो बोलता है रिक्वायर्ड, तो मैं क्लिक कर देता हूँ रिक्वायर्ड. उसके बाद हम लोगों को ये पढ़ना है यूनिक और एक्सटर्नल आईडी, इसका भी इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ. यूनिक, यूनिक का मतलब क्या था, मैंने यूनिक पे क्लिक कर दिया, ये करना नहीं चाहिए. अब मैंने एक नाम ले लिया प्रीति, ओके, तो दुनिया में प्रीति नाम की सिर्फ एक ही लड़की है क्या, नहीं ना, हज़ारों लड़कियाँ जिसका नाम प्रीति है. तो यूनिक मैंने कर दिया ना, तो वो क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करेगा, इज इट क्लियर, वो सिर्फ पहला जो प्रीति नाम का फर्स्ट नेम है वही लेगा, बाकी दुनिया में जितने भी 1000 प्रीति नेम है वो लेगा ही नहीं, क्योंकि उसने यूनिक बोला है. सिर्फ प्रीति नाम का ही रिकॉर्ड बनेगा, एक ही, उसके बाद 10 प्रीति होंगे तो उसका रिकॉर्ड नहीं बनेगा. तो जनरली अपन यहाँ यूज़ नहीं करेंगे यूनिक, कहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग बताओ बोलो, ईमेल आईडी में यूज़ करेंगे, यस और नो? तो सबका ईमेल आईडी सेपरेट रहता है, या यस और नो, जस्ट टेल मी यस नो. तो दैट टाइम आई यूज यूनिक, यूनिक, ओके. और उसके बाद में मैं आपको एक्सटर्नल आईडी बता दूंगा, एक्सटर्नल आईडी जो रहता है ना वो सिर्फ यूनिक के साथ ही बनाते हैं हम लोग, तो फिलहाल वो नहीं रहेगा आपका. उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू. तो ये आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, ऐसे लिख सकते हैं, एंटर यूअर फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम. तो ये शो होते जाएगा यहाँ पे, और बाद में आपको उसको दिख जाएगा ना, फर्स्ट नेम मतलब आपका फर्स्ट नेम शो करना है.
या जब आपका बहुत बार देखिए वहाँ पे लिख के आता है एंटर द फर्स्ट नेम या एंटर द नेम रिलेटेड टू योर 10th मार्कशीट, तो 10th मार्कशीट में जैसे लिखा रहता है ना वैसे आपको नेम लिखना है, ऐसे करके आप मैसेज छोड़ते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला उसने, एरर इनवैलिड रिव्यू ऑल द एरर मैसेज बिलो टू करेक्ट योर डेटा। चलिए सिंटैक्स ओके लिखना नहीं अब, चलिए छोड़ देते इसको। ये हम लोग बताऊंगा मैं किस लिए यूज करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट, तो देखिए हमने आपको क्या बोला था बताइए, डॉट भी आपको ऐड करना है एप्लीकेशन के अंदर, तो मुझे किसको बताना पड़ेगा देखिए। यस क्लियर हुआ कि आपको बताइए। यस एंड यू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सेव इट, बन गया मेरा, दिखेगा आपको। देखिए आप, तो देखिए दीज आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फील्ड, इसके आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो स्टैंडर्ड वर्ड हमेशा आता है। दोज फील्ड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द सेल्फोर्स, सच ए फील्ड इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फील्ड, और जो फील्ड हम बनाते हैं डेवलपर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कस्टम फील्ड। तो फर्स्ट नेम हमने बनाया अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ये फील्ड्स पहले से ही बनी है सेल्फोर्स ने बना के दी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फील्ड। तो ये देखिए हमने बनाई है स्टैंडर्ड फील्ड को, हम लोग ना डिलीट कर सकते ना क्रिएट कर सकते ना मॉडिफाइड कर सकते हैं। कस्टम फील्ड को हम लोग बनाते भी हम लोग हैं, डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं मॉडिफाइड करना तो मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ये बन गया आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन द कस्टम फील्ड एंड द स्टैंडर्ड फील्ड। दोज फील्ड आर ऑलरेडी क्रिएटेड इन द सेल्फोर्स दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फील्ड, दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड फील्ड, दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड फील्ड, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फील्ड ओके। बट फर्स्ट नेम इज कॉल्ड द कस्टम फील्ड, दोज फील्ड्स आर डेवलप बाय द प्रोग्रामर और डेवलपर, सच ए फील्ड इज कॉल्ड द कस्टम फील्ड दैट इंडिकेट दैट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, इज इट क्लियर। और कस्टम फील्ड को हम बनाएंगे भी डिलीट भी करेंगे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं हम लोग। और देखो ये टेक्स्ट दिया हुआ है इसका 30 कैरेक्टर मैक्सिमम दिया है यहाँ पे, इज इट क्लियर। अभी हम लोग शो करते हैं पुराने इसमें, तो देखिए हमने वर्क किया है न्यू विंडो में, प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग पुराने विंडो में, तो जब भी हम लोग विंडो चेंज करते हैं दैट टाइम यू क्लिक ऑन रिफ्रेशमेंट रिफ्रेश टैग ओके। इसको 2-3 बार ये कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमने अभी प्रोसेस किया तो वो गया US में सेल्फोर सर्वर में, सेल्फोर सर्वर में आपके एप्लीकेशन में आपने जो स्पेस क्रिएट की थी ना 5 MB की, उस स्पेस में वो जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल नाम का एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो स्टोर हो गया, और बाद में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके इसमें, तो थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है वो, कभी कभी बहुत टाइम लगेगा अपने को, दिखेगा 10 मिनट रुकना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो आता ही नहीं वो ऑब्जेक्ट ओके। कभी कभी कंजक्शन ज़्यादा होने के कारण रुक जाता है। तो यहाँ पे जाएंगे न्यू में, देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम लोग देते हैं गौरी शंकर, ओके सेव इट। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको ओके, हर चीज़ हम प्रॉपर वे से समझाएंगे। चलो ये ऑब्जेक्ट बन गया है आपका, इज इट क्लियर। इस तरह से हम लोग अपना रिकॉर्ड्स, इसको बोलते हैं वन रिकॉर्ड, ऐसे बनाएंगे हम लोग, पढ़ना है बहुत पढ़ना है आपको। तो किसी को कुछ डाउट्स, एनी डाउट्स? यस नो सर, नो डाउट्स सर। जो भी डाउट्स रहते हैं तो आप मैं जब बोलता हूँ कि डाउट्स तो उस वक्त आप लोग मुझे पूछिएगा। हेलो सर, सर मंडे का सर टाइमिंग 7 बजे का रहेगा क्या कि 6 का रहेगा? 7 o'clock रहेगा कल, कंफर्म सर? ओके कंफर्म, ओके थैंक यू सर। क्योंकि यहाँ पे मैम है, उसके बाद एक काजल नाम की लड़की है। काजल आपको 7 time इज कम्फर्टेबल? 7 PM सर, 7:30 चलेगा? हाँ 7 o'clock तक ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी डेमो वर्जन है टू इट्स ओके, बट मैं शुक्रवार से एक टाइम डिसाइड कर दूंगा आपको कंपलसरी, वो बता दूंगा मैं टाइम ओके। चलिए ओके। इंदु मैम आपको कहीं कुछ टाइम कम्फर्टेबल? 7 PM इज कम्फर्टेबल ना? यस ओके ओके ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अमेरिका मैम, यू आर ऑल्सो वर्किंग सो? यस सर, सो 7 इज ओके विद मी। यस यस एवरीवन इज 7 इज ओके बिकॉज़ नोट कीजिए ना अमेरिका मैम।
तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और कोई स्टूडेंट ज्वाइन होना, आपके जो कोई फ्रेंड्स होंगे होंगे तो उनको बोलिएगा, क्योंकि जॉब बहुत अवेलेबल है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग, ओके, और आपको भेज देंगे आपको, और ये वीडियोस मैं आपको तुरंत भेजूंगा जिसको